कहां उत्तरी बिहार के अंचल में सोता मुंगेर जिला और कहां देश की राजधानी नई दिल्ली। बचपन से ही दब्बों किस्म के अपने सात भाई बहनों में सबसे बड़े मुंगेरी लाल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन यापन का महाचक्र उन्हें इस महानगरी में पिसने के लिए ले आएगा। बड़ी लगन से उन्होंने एक के बाद एक साहित्य, संस्कृत और दर्शन शास्त्र में ट्रिपल MA किया था, पर जीवन का सत्य झेल नहीं पाए। जब मुंगेर में उनकी विद्वता का मूल्यांकन नहीं हुआ तो हार कर उनके ससुर बजरंगी लाल उन्हें दिल्ली ले आए, राम खिलावन बाबू मंत्री जी का सोर्स भिड़ाया और फिट करा दिया मिस्टर कंपानी की कंपनी वानर वनस्पति के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। बजरंगी लाल जी के बड़े दामाद नरेश बाबू की ठेकेदारी खूब सेट हो गई थी धनबाद में, लाखों में खेलते थे। पर अब बेटी गुणवंती का भाग्य, बजरंगी लाल जी को मुंगेरी में क्या गुण नजर आए सो तो वही जाने। वैसे थानेदार बाप की रुआब वाली और लखपति जीजा की मुंहबोली साली गुणवंती की हर इच्छा मुंगेरी पूरा करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। ऑफिस की सेक्रेटरी मिस मलकानी की अदाओं के सामने तो बस पिघल से जाते हैं मुंगेरी। चाहे कितना भी काम थमा दें, टाइपिंग का, ड्राफ्टिंग का, मुंगेरी की जबान तो बस पत्थर हो जाती है, अकबक से हाँ कर देते। ऑफिस का दूसरा मुलाजिम बत्रा, चलता पुर्जा, दुनियादार आदमी, अपना सारा काम थोप देता मुंगेरी पर। यहां तक कि चपरासी रतिराम को भी घर जाते समय मुंगेरी के साइकिल की बैक सीट ही भाती है। लेकिन इस महाकाल के महाचक्र में पिसते मुंगेरी के आम जीवन में एक खास बात है, गाहे बगाहे उनका कल्पनाशील मन उड़ाने भरने लगता है, उनकी आंखें चमकने लगती हैं और वो खो जाते हैं अपने रंगीन सपनों की दुनिया में। वही बत्रा, वही कंपानी, वही राठौड़ और बजरंगी लाल जी उनके सपनों के पात्र होते हैं और वो हर अनुभूति जिसकी वो अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते उनके सपनों में साकार हो जाती हैं, उनका सत्य बन जाती हैं। थोड़ी चाय पत्ती है लेंगे बटरे साहब? नहीं यार, टाइम हो गया है, अब तो कार जाएंगे। मेरे ख्याल तो मिस्टर राठौड़ जा रहे होंगे। ठीक है, हम भी चलते हैं। जरूर जाओ मुंगेरी, तुम कौन ऑफिसर से कम है? नहीं, वो ऐसा है, हमारे मदर एंड फादर इन लॉ आने वाले हैं ना धनबाद से। What nonsense! Hey, तुम हमसे पहले घर जा रहे हो? हैं? हमारे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि जब तक हमारी गाड़ी दफ्तर के आते से बाहर ना हो जाए कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा, अंडरस्टैंड? कल लंदन से मिस्टर कंपानी आ रहे हैं और तुम लोगों को मटर गश्ती सूझ रही है? खड़े क्या हो? Sit down and do your job. Oh dear. अब तुम आ ही गया है मुंगेरी तो एक छोटा सा लेटर और है, प्लीज इसे भी कर दो ना। आप अपना काम खुद काहे नहीं कर लेती मिस मलकानी? तुमको कितनी बार बोला मुंगेरी हमको मधु बोलने का? मधु बोलने में हमारा फैमिली गुस्सा आती है, अब देर से जाएंगे तो और गुस्सा आएगी। हाँ, पर जाई जी का गुस्सा है अभी तो बहुत जालम। जा मुंगेरी, आप पे करने दे मिस मधु को। मैं और मुंगेरी मिलके काम करता है तो तुम क्यों चलता है मैन? तो ठीक है, मैं तो चला। कहां उत्तरी बिहार के अंचल में सोता मुंगेर जिला और कहां देश की राजधानी नई दिल्ली। बचपन से ही दब्बों किस्म के अपने सात भाई बहनों में सबसे बड़े मुंगेरी लाल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन यापन का महाचक्र उन्हें इस महानगरी में पिसने के लिए ले आएगा। बड़ी लगन से उन्होंने एक के बाद एक साहित्य, संस्कृत और दर्शन शास्त्र में ट्रिपल MA किया था, पर जीवन का सत्य झेल नहीं पाए। जब मुंगेर में उनकी विद्वता का मूल्यांकन नहीं हुआ तो हार कर उनके ससुर बजरंगी लाल उन्हें दिल्ली ले आए, राम खिलावन बाबू मंत्री जी का सोर्स भिड़ाया और फिट करा दिया मिस्टर कंपानी की कंपनी वानर वनस्पति के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। बजरंगी लाल जी के बड़े दामाद नरेश बाबू की ठेकेदारी खूब सेट हो गई थी धनबाद में, लाखों में खेलते थे। पर अब बेटी गुणवंती का भाग्य, बजरंगी लाल जी को मुंगेरी में क्या गुण नजर आए सो तो वही जाने। वैसे थानेदार बाप की रुआब वाली और लखपति जीजा की मुंहबोली साली गुणवंती की हर इच्छा मुंगेरी पूरा करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। वानर वनस्पति के मैनेजर मिस्टर राठौड़ की भी खास नजर रहती है मुंगेरी लाल पर।
पारा चढ़ाई रहता है आसमान पर, मुंगेरी को देखा नहीं कि बरस पड़े। ऑफिस की सेक्रेटरी मिस मलकानी की अदाओं के सामने तो बस पिघल से जाते हैं मुंगेरी। चाहे कितना भी काम थमा दें, टाइपिंग का, ड्राफ्टिंग का, मुंगेरी की जबान तो बस पत्थर हो जाती है, अकबक से हाँ कर देते। ऑफिस का दूसरा मुलाजिम बत्रा, चलता पुरजा, दुनियादार आदमी, अपना सारा काम थोप देता मुंगेरी पर। यहां तक कि चपरासी रतिराम को भी घर जाते समय मुंगेरी के साइकिल की बैक सीट ही भाती है। लेकिन इस महाकाल के महाचक्र में पिसते मुंगेरी के आम जीवन में एक खास बात है, गाहे बगाहे उनका कल्पनाशील मन उड़ाने भरने लगता है, उनकी आंखें चमकने लगती हैं और वो खो जाते हैं अपने रंगीन सपनों की दुनिया में। वही बत्रा, वही कंपानी, वही राठौड़ और बजरंगी लाल जी उनके सपनों के पात्र होते हैं और वो हर अनुभूति जिसकी वो अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते उनके सपनों में साकार हो जाती हैं, उनका सत्य बन जाती हैं। थोड़ी चाय पत्ती है लेंगे बटरे साहब? नहीं यार, टाइम हो गया, अब तो कार जाएंगे। मेरे ख्याल तो मिस्टर राठौड़ जा रहे होंगे। ठीक है, हम भी चलते हैं। जरूर जाओ मुंगेरी, तुम कौन ऑफिसर से कम है? नहीं, वो ऐसा है, हमारे मदर एंड फादर इल्ला आने वाले हैं ना धनबाद से। व्हाट नॉनसेंस! ए, तुम हमसे पहले घर जा रहे हो? हैं? हमारे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि जब तक हमारी गाड़ी दफ्तर के आते से बाहर ना हो जाए कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा, अंडरस्टैंड? कल लंदन से मिस्टर कंपानी आ रहे हैं और तुम लोगों को मटर गश्ती सूझ रही है। खड़े क्या हो? सिट डाउन एंड डू योर जॉब। पुअर डियर, अब तुम आ ही गया है मुंगेरी तो एक छोटा सा लेटर और है, प्लीज इसे भी कर दो ना। आप अपना काम खुद काहे नहीं कर लेती मिस मलकानी? तुमको कितनी बार बोला मुंगेरी हमको मधु बोलने का? मधु बोलने में हमारा फैमिली गुस्साती है, अब देर से जाएंगे तो और गुस्सा आएगी। हाँ, परजाई जी का गुस्सा है अभी तो बहुत जालम। दहीना हाथ फड़क रहा है, फिर सपना देखने लगे? फिर सपना में खो गए और क्या हुआ? अरे सपना देखना छोड़िए, असलियत में कुछ करिए धरिए। हमरे जीजा जी 8 क्लास भी पास नहीं किए हैं, मगर हमरी दीदी और माई बाबूजी को हर तरह का सूट दिए हैं। अरे आप तो 18 क्लास पास हैं ट्रिपल ए में, मगर ना कोनो सूख पाए हैं ना दिए हैं। लीजिए और बादाम लाना मत भुलाइएगा, बाबूजी चाटू भीगा बादाम घिस के खाते हैं रोज। और उन लोगों को ट्यूशन से लाने का वास्ते कहीं घड़िया का जुगाड़ हो जाए तो देखिएगा, धनबाद में तो हमरे जीजा जी हिमपाला में छोड़ के गए होंगे ट्यूशन। हिमपाला एम्बेसडर तो यही है भाई। बेटा खुश रहा, खुश रहा, खुश रहा। माई मेरी बिटिया कैसी हो? अरे जवाई बाबू, ई का हाल बना दिया रहा हमारी बिटिया का। आप दोनों को देख के तो हमरे को लगता है आप लोग कुछ खाते ही नहीं। माई बाबू जी के लिए खाना लगाया जाए। नहीं नहीं, खाना पीना सब तरहने में हो गया। अरे भर के जवाई बाबू ने हर टोल मेवा टेवा टुकड़ी भर के दिया है, हमसे तो खत्म ही ना हुआ। ले संभाल ले ये, बस रहे का बस इतने जगह है का? हाँ, अरे इस घर से बड़ा तो धनबाद में नरेश बाबू के लिए 3 ठो नहान घर है, बाथरूम। कबूतर खाना में कैसे रहते हैं मुंगेरी बाबू? जे बस कोनो कायदा का मकान लीजिए। अरे इसी का किराया 700 तो 7,000 महीना देवे का जोगाड़ भिराइए। धनबाद में नरेश बाबू कैसे सालाना 1,00,000 रुपया पीट के मोच पे ताल दे रहे हैं? अरे नरेश बाबू मूंछ भी रखने लगे? अरे काहे नहीं रखेंगे मूंछ, मूंछ नहीं तो मरद का और पूंछ नहीं तो भरत का।
रात ढेर हो गया है, हमें कहाँ सोना है? आप यहाँ बाबूजी के साथ सोती है, हम वहाँ माई के साथ सोएंगी। इनके साथ सोते बतियाए कितने साल हो गए। दुई चरपाइयां है का? हाँ, वहाँ धनबाद में बरके जवाई के यहाँ कुत्ता ताकि काट में सोता पॉट में खाता है, हर तरह के सुख है उनके यहाँ। तनख्वाह उनका कुछ बढ़ा जमाई बाबू के अभी हुए वहे हैं। अरे अरे अरे, अपना अफसर से जरा रौब से बोलिए, कहिए कि हम मिनिस्टर खेलावन बाबू के गांव के गौरी बाबू के लंगोटिया दोस्त बजरंगी लाल के छोटका दामाद हैं। ठीक है, कह देंगे। ऐसे मरियल ऐसा बोलिएगा तो कुछ नहीं होगा। अरे हम जिंदगी भर पुलिस लाइन में काम किया है और एक के बात सीखे कि जो बोलेगा डपट के सो लेगा झपट के। अरे आपके देह में तो चिड़ी भर मांस है लेगा। कल भोरे से हमरे साथ दंड बैठक कीजिए, वर्जिश मालिश कीजिए, बां भुजा बनेगी। सवेरे गर्म पानी से निहाते हैं कि ठंडा पानी से? गर्म से, इसी से जुकाम होता है। जब आज से कल से ठंडा से निहाइएगा। बहुत रात हो गया है, सो जाइए। अच्छा अच्छा, टंगी खाने खींच रहे हैं? खींच नहीं रहे, गिर गई थी उठा के रख रहे हैं। जाग ही तो रहे हैं। 26, 27, 28 करके ले आना। ओहो, देखता नहीं है मैन। Now, why did I call you Miss Malkani? सर, इस ड्राफ्ट के बारे में तो नहीं? No, not for this. हैं? ये किस गधे ने टाइप किया है? सर, मुंगेरी ने। बुलाओ उसको, बुलाओ, call him just now. बत्रा, मिस्टर राठौर मुंगेरी को बुला रहे हैं। जी नहीं, ये बाल भवन नहीं है। ओ, अब याद आया मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था। मिस मलकानी, तुम्हें बच्चे खिलाने का कोई एक्सपीरियंस है? यहाँ कोई नर्सरी खुलने वाली है सर। अगर मिस्टर कंपानी इसी तरह परेशान करते रहे तो यहाँ एक दिन पागल खाना जरूर खुल जाएगा। उनकी लेटेस्ट फरमाइश ये थी कि उनके बच्चे के साथ खेलने के लिए किसी को भेज दो। रतिराम को भेजा था, बात जमी नहीं, किसी और को भेजो कह रहे हैं। मैं कमिंग सर। तुमसे किस गधे ने आने के लिए कहा था? आपने सर। नहीं सर, वो ड्राफ्ट के बारे में। हाँ, ये तुमने टाइप किया है? यस सर। इंग्लिश तो जानते नहीं हो और प्रमोशन मांगते हो, सक्सेस की ये स्पेलिंग होती है? यस, UCCE, यस यस, ठीक तो है सर। आप दूसरे कागज में भी सही को काट के गलत कर दिए हैं। हैं? मुंगेरी, तुम हमसे ज्यादा इंग्लिश जानते हो। सर, हम वो स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। 359303, ये बाल भवन नहीं है। What are you doing, मुंगेरी? ये क्या कर रहे हो?
सर वो हम एडवांस के लिए एप्लीकेशन दिए थे। ये 359303 ये बाल भवन नहीं है। यू इट आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी। ये हाँ वो रॉन्ग नंबर आए जा रहे हैं। यस यस आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ ओके अभी 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 काम कर देता हूँ। ओके अभी इंतजाम हो जाता। मुंगेरी तुम शादीशुदा हो? यस सर। बच्चे हैं? नो सर। क्यों नहीं है? फुर्सतें कहाँ मिलती है सर। सर ये मिसेस कंपानी का बच्चा के वास्ते आप मुंगेरी को क्यों नहीं भेजता? हैं? इसका अपना कोई बच्चा नहीं तो क्या? अपना 7 ब्रदर सिस्टर में सबसे बड़ा है। ओ। जरूर एक्सपीरियंस्ड होगा। यस यस। वो आप इंटरव्यू के लिए बुलाई थी। अरे बड़ी हमने तो तुम्हें सनी के वास्ते बुलाया था। अभी वो ही तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। अभी हम जब तक वापस नहीं आए तुम यहीं रहेगा। बड़ी समझा नहीं? बड़ी अब चलो ना, बहुत देर हो गया। अच्छा सनी बाय बाय। बाय सनी। तुम्हारा नाम? मुंगेरी लाल। तुम चपरासी? नहीं बाबू। अभी क्या बनना मांगते हो? बड़ा बाबू। वो क्या आता है? टाइपिंग, अकाउंट्स और ड्राफ्टिंग। तुम डांस करो। डांस ऐसे नहीं ऐसे होता है। का भाव बढ़ रहा है तो अमेरिकी डॉलर का गिर भी रहा है। हम अपना माल अमेरिका से मंगा लेंगे। मधु राठौड़ को लेके इधर आओ। सेठ थारो क्या हाल छे? हुकुम गिरी सेठ, बस थारी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। अरे सेठ हम तुमको कितने बार बोला कि 200 करोड़ से कम के सौदे के बारे में हमको परेशान ना किया जाए। 200 करोड़ कोई बात नहीं, मैंने एक चांस दो सेठ जी। अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो तोपानी फर्टिलाइजर के जितने भी शेयर्स हैं खरीद लो। हमें मालूम है कि उनके प्लांट में हड़ताल है और शेयर्स के भाव गिर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम सेठ कि हड़ताल खुद मुंगेरी लाल ने करवाई है। सच? हड़ताल आपने करवाई थी सर? यू आर ए जीनियस बॉस। शट अप सर, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। यस सर। यस सर। ये प्रमोशन का रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा है? यस सर। मैं प्रमोशन का स्पेलिंग भी नहीं मालूम? यस सर। नो 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 सर। जाओ किसी धोबी के गधे बन जाओ जाकर। सर प्लीज वो मुझे गधा मत बनाइए सर। जाकर मिसेस कंपनी के बच्चे के घोड़े बन जाओ। ओके ओके सर ओके। अबे छिया, ओफ ये कौन गधा छींक रहा है? आपके ससुर है सर। आपके लिए जो घर बनवाया है उसमें 33 बाथरूम है और हर एक में गर्म पानी का नल आता है, फिर काहे आप ठंडे पानी से नहाते हैं? और ये जुकाम फैलाने दफ्तर में क्यों चले आते हैं? मेरे बाबू बड़का जवान बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं,
10 लाख की देनदारी अगर पूरी नहीं की गई तो बाजार से साख मिट जाएगी उनकी। आपका बड़का जमाई और उसका बंडल बिजनेस। मधु। यस सर। नरेश एंड सन्स के नाम 10 लाख का ड्राफ्ट बनवा कर इनको दे दो और 1,000 रुपये खुला भी दे देना। जी, प्रसाद चढ़ाने के वास्ते नहीं, आपके बड़के जमाई का मूंछ मुड़वाने। मुंह से ध्यान हटेगा तब ना बिजनेस में लगेगा।